आज मैं आप लोगों के साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत से लोग बनाते भी होंगे और बहुत परफेक्ट भी बनाते होंगे। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं तो या तो उनका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन आज के बाद मेरी इस वीडियो को आप फॉलो करके जब आप फ्रूट कस्टर्ड तैयार करेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका भी कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का। इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशा गुप्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूं। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर 1/2 लीटर दूध लिया है एक पैन में, और यहां पर 1/2 कप दूध लिया है। इसमें मैं कस्टर्ड का घोल बना करके तैयार करूंगी। यहां पर सबसे पहले पैन में मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चम्मच को ध्यान से देखें, इसी चम्मच से मैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी कप में। ये मैंने राइस स्पून का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, जिस स्पून से हम लोग राइस खाते हैं उस साइज़ का स्पून मैंने लिया है। और ये देखिए, 2 चम्मच मैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 लीटर दूध में 2 चम्मच दूध, गाय का, भैंस का, पैकेट वाला कोई भी हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर अब देखिए, अच्छे से मैंने इसे घोल तैयार कर लिया है। इसमें कोई लम्स या कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा कस्टर्ड घोल कर तैयार है। और इस दूध को हम बॉयल करने के लिए चढ़ा देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे बॉयल करेंगे करीब 5 से 6 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद ये आराम से बॉयल होने लग जाता है। इससे क्या होगा कि हमारा चीनी भी घुल जाएगा, चीनी भी साथ में पक जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शुगर जो फ्री आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, करीब 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद इसमें हल्की हल्की सी बॉयल आने लग गई हैं। तो अब इस पॉइंट पर आकर के हमने जो कस्टर्ड घोल के रखा है वो हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्स करने से पहले थोड़ा सा हम इस तरीके से स्टेयर कर देंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड होता है वो नीचे में पाउडर जा करके बैठ जाता है कप में, नीचे सरफेस में जम जाता है। और एक हाथ से अब हम इसे कस्टर्ड का घोल को डालेंगे, दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली हम इसे स्टर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। तो ये देखें, हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। करीब 3 से 4 मिनट के बाद इसमें अच्छे से बॉयल आ जाती है। और जब ये बॉयल आ जाए और तब कस्टर्ड भी हमारा बहुत अच्छे से पक जाता है, देन हम इसमें फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम इसे करीब 15 से 20 सेकंड तक इसी तरीके से स्टर करते रहेंगे, नहीं तो फिर जो तली में ये बहुत जल्दी सेट जाता है। तो इसी तरीके से ये देखिए, हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसे मैं कवर करके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। कवर इसलिए करूँगी कि क्योंकि इसमें ना ऊपर से पूरी एक मलाई से, एक लेयर से जम जाती है अगर हम खोल करके इसका इंतज़ार करें, ठंडा करें। तो इसलिए मैं कवर करके करती हूँ, तो जिससे उसके ऊपर जो है वो मलाई सा सर नहीं जम पाता है। और अब यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स कट कर लिए हैं जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 केले को इस तरीके से कट कर लिया है। अंगूर को भी मैंने 2 पीसेस में कट कर ली हूँ। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का एप्पल लिया, उसे भी बारीक कट कर लिया है। और इसकी स्किन को मैंने रिमूव नहीं किया है, आप चाहें तो स्किन को हटा सकते हैं। चीकू 2 से 3 थी लेकिन सब ख़राब निकल गई, सिर्फ 1 चीकू सही सलामत निकली। यहाँ पर थोड़ी से तारबूज का एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर इस तरीके से निकाला, इसकी शीट को भी मैंने रिमूव कर दिया है। मेरे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे वो सारे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास और भी कोई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं अपने पसंद का, तो आप शौक से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं थोड़ी सी इसमें नट्स भी इस्तेमाल करूँगी। और अब यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम अपने सारे जो फ्रूट्स को मैंने कट किया है वो सब हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी है। लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एकदम परफेक्ट सा जो मेजरमेंट पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी कभी लिक्विड कभी गाढ़ी सी बनके तैयार हो जाती है। लेकिन आज के बाद अगर आप मेरे इस मेथड को ध्यान में रख के बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है ये। और अब हम इसमें सारा अपना जो कस्टर्ड वो ठंडा हो चुका है उसे हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट से हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हुआ है। और इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर हम सारे फ्रूट्स को अच्छे से मिला देंगे इस कस्टर्ड के साथ में। हल्के हाथों से हम मिलाएंगे क्योंकि इसमें केला भी डला हुआ है, केला चूर होने का डर होता है, तो इसलिए इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से अपने हल्के हाथों से। और यहाँ पर अब मैं 2 चम्मच
बस थोड़े से अनार के दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे थोड़ा सा ना ये कलरफुल बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। और मैं एक मुट्ठी भर करके मैं यहाँ पर नट्स, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, उसको थोड़े से पीसेस में कट करके डाल रही हूँ। इससे ना जब हम खाएंगे फ्रूट कस्टर्ड तो बहुत ज़्यादा क्रंचीनेस सा आता है। और ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स। और इसे हम करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज में रखने से क्या होता है कि बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाने का अलग ही मज़ा भी होता है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। आप देखें इसकी, जब फ्रीज में रख दें तो जमने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकनेस आती है, लेकिन बिल्कुल ही परफेक्ट सी है हमारी ये फ्रूट कस्टर्ड। बिल्कुल मज़े की है बन के तैयार हुई फ्रेंड्स। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें इस मेथड से, बहुत ही आसान सी है लेकिन बहुत ही मज़े की है। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें और इस तरीके से बना करके किस तरीके का आप लोग भी बनता है, अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली में, फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।